बताओ पता नहीं कहाँ से छिपकली का बच्चा आ गया और ये बहुत देख लिया। हेलो फ्रेंड, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है आपका किरण विश्वकर्मा रियल लाइफ चैनल में। तो ये मंगलवार के दिन का क्लिप है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, क्योंकि बच्चों का नाश्ता तैयार करना है। सुबह के सभी लेडीजों का तो यही काम रहता है, बच्चों का नाश्ता, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो उनके नाश्ता तैयार ही करना होता है। सबसे पहले यही मेरा काम रहता है। तो यहाँ पे आलू की भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि हर सब्जी में ये आलू ऐसी चीज़ है जो हर काम में आता है। तो यहाँ पे हम सब्जी बना के और पराठे बना लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम रहता है। और वैसे भी मैं कुछ जल्दी उठ गई थी सुबह के लिए, क्योंकि वैसे मैं 5 बजे उठती हूँ, तो 4 ही बजे उठ गई थी, तो सारा काम निपट गया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। पता नहीं क्या है कि एक कई साल हो गए हैं इस तवे को, तो ना तवा हल्का हो गया है, तो इस वजह से ना पराठे या रोटी है वो बहुत जल्दी जल जाती है। इसको हटाना पड़ेगा, दूसरा तवा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पराठे बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा, और मैं सभी का फुल वॉच करती हूँ, जानते हो कि मैं सभी का फुल वॉच करती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आई थी इन बच्चों को मैं दूध और चावल देने के लिए, तो क्योंकि भूखे रहते हैं, तो मैं सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम में दे जाती हूँ। ये देखिए कितनी तेज़ी से भूखे हैं। तो ये मैं 9-10 बजे देने आई थी। और यहाँ पर मैं दोपहर का लंच तैयार कर रही थी, यहाँ पर बना रही हूँ खिचड़ी, दाल की खिचड़ी। तो आपने तो उड़द की दाल बहुत ज़्यादा खिचड़ी खाई होगी, पर क्या अरहर की दाल की खिचड़ी खाई है? ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, लहसुन है, प्याज है, और हींग है, जीरा है, तेज़पत्ता है, टमाटर डाल दूँगी और इसे भूनूँगी अच्छे से। बहुत ही वाकई में इतनी अच्छी खिचड़ी बनती है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पे ये कड़ी पत्ता मैंने डाल दिए हैं, तो कड़ी पत्ते से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया हल्दी और मिर्च पाउडर, बस धनिया नहीं डालूंगी क्योंकि उसका टेस्ट नहीं अच्छा आएगा, तो इसी वजह से नहीं डालूंगी। यहाँ पे नमक डाल देते हैं, जितना भी आप स्वाद के अनुसार अपना खाते उसी तरीके से मैंने नमक डाल दिया है। और यहाँ पे डाल दिया है मैगी मसाला, इससे क्या होता है कि ना खिचड़ी का स्वाद और भी अच्छा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम खिचड़ी डाल देते हैं, और वाकई में इतनी अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं, और ये नॉर्मल सा चावल है, यानी कि कोटे वाले चावल होते हैं, वही उसी से बनाया है। देखिए कितने खिले खिले चावल खिचड़ी बनी है, और बहुत ही मज़ेदार खिचड़ी, और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। तो इसे ना घी और अचार के साथ खाओगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और फिर इसके बाद दोपहर में आ गए थे गेहूँ निकालने के लिए, क्योंकि अब की कोटे से गेहूं मिले नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे गेहूं निकाल लेते। और काफ़ी दिनों से मौसम ना बिगड़ रहा था, और बारिश क्या बूंदे गिर रही थी बस, और कुछ नहीं, ऐसे एक आध बूंदे गिर रही थी, और ऐसे ही मौसम ख़राब हो रहा, तो इसी के डर की वजह से मैंने गेहूं भी नहीं इन्हें धुलने, क्योंकि मैं जब भी गेहूँ है बनाती हूँ ना, धुल के ही बनाती हूँ, क्योंकि दवाई लगी होती है ना। तो ये मैंने 2-3 साल पहले ही मैंने गेहूँ खरीद के रख ली थी, तो फिर ये रखे रहे थे ऐसे ही, और गेहूँ मेरा बहुत जल्द साफ था, और गेहूँ बिल्कुल घुन वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि दवा लगा के रख देते। इतना पसीना आ गया, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और ये है नेक्स्ट डे का, तो दिन है बुधवार का। तो अर्जुन को मैं लंच देकर और वो कोचिंग के लिए निकल गया था, फिर इसके बाद छत पे आ गई हूँ यहाँ पे, और सुबह के 6 बजे हैं। तो यहाँ पे हम गेहूँ धुल रहे हैं, क्योंकि धूप आ जाती तो फिर मैं यहाँ पे धूप में काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे गेहूँ धुल लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा सुबह का काम भी बहुत ज़्यादा होता आता है, तो ये वाला पहले काम कर लेती हूँ, गेहूँ धुलने वाला काम। और गेहूँ कैसे धोती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये मुझे सलाह दिया था मेरी एक सिस्टर हैं प्रतिभा शर्मा, टूटू करके उनका चैनल है। तो प्लीज़ आप सभी लोग उन्हें सपोर्ट कीजिए जाके, और वो आपको प्लीज़ सपोर्ट करेंगे। और जो भी जानकारी लेना चाहते हो ना, तो वो आपको देंगी, बहुत अच्छी जानकारी देती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनसे मैं सीखी हूँ और उन्होंने बताया है, तो इस वजह से मैं उनका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। तो आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, और वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छी जानकारी देंगे। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम गेहूँ इस डब्बे में ना 2 मिनट मतलब रख देती हूँ, ऐसे 1 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख देती हूँ, जितना मिट्टी होता है ना तो सब नीचे बैठ जा। फिलहाल मेरा गेहूँ है बिल्कुल गंदा नहीं था और मिट्टी भी नहीं थी, तो इसी तरीके से मैं मिट्टी साफ़ करती हूँ टब में। तो मैं उनका लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और उनका पिन भी कर दूँगी, तो आप सभी लोग वहाँ पर चले जाइएगा और
जो भी हमें सपोर्ट करेगा ना, मैं और मेरा पूरा वीडियो देखेगा ना मैं, तो उसको सपोर्ट करूँगी और उसका लिंक है मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगी और अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और पिन भी करूँगी। जो भी मुझे सपोर्ट करेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगी। तो गेहूँ है मैं इसी तरीके से धुलती हूँ, तो टब में है डाल देती हूँ, दो बार धोती हूँ। और ये जो ये आपको स्टील वाली डलिया दिख रही है ना, तो ये छन्ने वाला है, तो पानी पूरा निकल जाता है। तो ये वाला ना मैं मार्केट से लाई थी, लखनऊ की मार्केट से, बहुत अच्छी है। और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा गेहूँ धुलने में सहारा करता है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं गेहूँ फटाफट धो लेती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी। और एक कमेंट ये भी आया था कि हम आपके यहाँ की बंदर आते हैं, तो हाँ सिस्टर, मेरे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चारों ओर खेत हैं, तो इस वजह से बंदर बने ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पर ये है, थोड़ा सा हमारे यहाँ डोगी है ना, इस वजह से थोड़ा सा बंदर ऊपर नहीं आते हैं, पर कभी कभी आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है। तो इसी वजह से, क्योंकि जीना हमारा खुला हुआ है, तो इस वजह से ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बंदर नीचे भी आ जाते हैं, तो देखना पड़ता है, कहीं नहीं जा पाती हूँ, घर में एक ना एक बना ही रहता है। तो यहाँ पे गेहूँ, और फिर यहाँ पे हम गेहूँ को डाल देंगे। तो धूप अच्छी निकली है, सूख जाएगी, जल्दी ही सूख जाएगी, दो दिन में सूखने में टाइम लगता है, मैं दो दिन में सुखाती हूँ, तब जाके गेहूँ अच्छे से सूख जाता है। तो ये है, फिर आटा अच्छा निकलता है, तो हम गेहूँ फैला देते हैं। और फिर इसके बाद क्या हुआ था, मैं जब नीचे गई थी चाय बनाने के लिए, तो क्योंकि मैं सुबह बच्चे चाय पीते नहीं हैं, अर्जुन चला जाता है, फिर इसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो मैं चाय बनाने के लिए जैसे ही मैंने फ्रिज से दूध निकाला ना, तो क्या बताएं हम कि पता नहीं कहाँ से, क्योंकि शाम को चाय बनाया था तो अच्छा खासा दूध था, उसमें कुछ नहीं था। और जब मैं जब वो ना खोली हूँ फ्रिज ना, तो छोटा सा छिपकली का बच्चा पता नहीं कहाँ से आके गिर गया होगा, तो वो मैंने ध्यान नहीं दी होगी। तो कहते ना कि बहुत ही माँ संतोषी ने लाख लाख हम लोगों को, मेरे परिवार को बचाया है, कि कुछ बता नहीं सकती हूँ यार, कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हे माता रानी ऐसी मेरे परिवार को बचाए रखना। अगर बड़ी सी छिपकली होती तो क्या होता, तो शायद हमारे फैमिली में क्या होता, अनर्थ हो जाता। ये देखिए कितना छोटा सा छिपकली है, इसी वजह से दूध के ऊपर तैर रहा है। और अगर ये बड़ी होती तो नीचे चली जाती, तो हम चाय भी बना लेते, दूध मेरा बच भी जाता है, तो बहुत बड़ा हम लोग का नुकसान हो जाता। तो माता रानी की कृपा से